so we are solving previous year questions of the chapter human reproduction and the topic menstrual cycle in today's session we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the cbse board in all india examination in 2016 so the question is, A part, explain the menstrual phase in a human female, state the levels of ovarian and pituitary hormones during this phase. Then B part, why is follicular phase in the menstrual cycle also referred as proliferative phase, explain. Then C part, explain the events that occur in a graphene follicle at the time of ovulation and thereafter. And D part, draw a graphene follicle and label entrum and secondary oocyte. तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में हमें ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि मेंस्ट्रुअल फेज में ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल कैसा होता है देन बी पार्ट में हमें बताना है कि फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी क्यों बोलते हैं देन सी पार्ट में हमें बताना है कि ओवुलेशन के टाइम और ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल के साथ क्या होता है डी पार्ट में हमें ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें एंट्रम और सेकेंडरी ऊसाइट को लेबल करना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा ए पार्ट में हमें मेंस्ट्रुअल फेज एक्सप्लेन करना था तो मेंस्ट्रुअल फेज ह्यूमन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है थ्री टू फाइव डेज तक और उसमें एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है और दोनों डीजेनरेटेड कार्पस ल्यूटियम के साथ वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तब होता है अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता अगर मेंस्ट्रुएशन एबसेंट है तो इसको हम प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव भी मान सकते हैं पर किसी किसी केस में मेंस्ट्रुएशन पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से या स्ट्रेस कंडीशन की वजह से भी एबसेंट हो सकता है फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा ओवेरियन और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है यानी लो लेवल होता है Clear? So, menstrual phase. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress,